Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home और आपने अपनी जो upcoming examination है उसके लिए आप preparation कर रहे होंगे. And also I would recommend that जो पुराने आपके जितने भी current affairs के lectures हैं और जो weekly current affairs या किसी भी subject के lectures जो आपको provide करवाए जा रहे हैं, just try to be in sync with those lectures because due to the raising Corona cases and the worsening situation, we are not sure कि offline classes हमारे कब तक start हो पाएंगे. So we are trying our best to give you the best lectures possible. Okay? और इसी के साथ आज का हमारा जो current affairs का lecture है वो हम start करेंगे. आज के lectures में last लोकसभा और राज्यसभा मतलब जो parliament session जो last था उसमें जो important bills pass हुए हैं उसके बारे में हमें बात करनी है. पहला ऐसा जो बिल है जिसके बारे में हमें बात करेंगे वो है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019. और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? 125th. तो देखिए, अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे पास बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो उसमें बदलाव सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की संसद कर सकती है, हमारे देश की पार्लियामेंट कर सकती है. ओके? और उसको क्या कहा जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में 125वीं बार अमेंडमेंट किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल 2019. सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म्ड द लोकसभा दैट प्रेजेंटली देयर इज नो प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन 6th स्केड्यूल एरियाज ऑफ द आसाम. तो आसाम में क्यों 6th स्केड्यूल लागू किया गया है, या तो 6th स्केड्यूल का क्या सिग्निफिकेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है. पहले तो ये बताया गया है कि अभी आसाम में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगी. इन जनवरी 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा टू अमेंड द प्रोविजन्स रिलेटेड टू द फिनांस कमीशन एंड द 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बिल में क्या बदलाव किया जा रहा था? तो ये बिल बदलाव कर रहा था फिनांस कमीशन के जो प्रोविजंस थे उसको लागू कर रहा था, और किसके रिगार्डिंग था वो? 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द 6th स्केड्यूल रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और स्पेसिफिकली कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? वो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो ये जो राज्य है या ये जो इलाके हैं वो जब भारत में जुड़े तो वो इन शर्तों के साथ जुड़े थे कि इनके ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए, इनकी जो आदिवासी संस्कृति है या जो लोकल संस्कृति है, लोकल कल्चर है, उसको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा सहयोग करेगी और कभी भी अपने जो नियम कानून है वो इनके ऊपर नहीं थोपेगी. कब? अगर जब वो इनकी लोकल कल्चर को इम्पेक्ट करता हो, तो इनको अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा परफॉर्म करने का पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी. एंड दैट्स वाई उनको अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनाई जाएगी. तो इसी के लिए ये 6th स्केड्यूल बनाया गया था. प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या है? देखिए, दीज आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स. क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ राज्यसभा में पेश किया गया है, ये अभी लोकसभा से पारित नहीं हुआ है. पारित होने का मतलब है पास होना. सो इट इज येट टू बी पास्ड फ्रॉम लोकसभा, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे तब जाके वो एक्ट बनेगा. ओके? तो ये बेसिक आइडिया, अगेन आप सबको आई एम श्योर के पता ही होगा बीइंग एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट, बट अगेन मैं क्लियर कर दूं कि कोई बिल कब एक्ट बनेगा, तो जब संसद को लगेगा कि किसी पर्टिकुलर नियम की हमारे समाज को, हमारे देश को ज़रूरत है, या किसी एग्जिस्टिंग लॉ में अगर किसी फेरफार या किसी बदलाव की ज़रूरत है तो उसको संसद में पहले बहुमति के लिए पेश किया जाएगा. जब संसद बहुमति से उसको पास करेगी, संसद के दोनों सदन, जब मैं संसद बोल रहा हूँ तो उसमें लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी इंक्लूडेड है, जब संसद के दोनों सदन कुछ कुछ बिल्स को सिंपल मेजोरिटी, कुछ कुछ बिल्स को 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, जब वो बहुमति से पास होगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर वो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड बिल, एक्स वाई जेड एक्ट बनेगा. ओके? और एक बार वो एक्ट बन गया,
अब अगर दूसरे दिन भी अगर संसद को उसमें बदलाव करना हो या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या कैबिनेट उसमें बदलाव करना चाहती हो, वो अपने हिसाब से उसमें बदलाव नहीं कर सकती। इट हैज़ टू गो थ्रू दी पार्लियामेंटरी प्रोसीजर। ओके, चलो। तो इस 125th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसके प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है? तो सो दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आर विलेज एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स। सो इट प्रोवाइड्स फॉर विलेज एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स। तो एज ऑफ नाउ वहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स है असम में, जो कि अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालती है। विलेज काउंसिल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर विलेजेस और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस इन रूरल एरियाज, एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन अर्बन एरियाज ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स क्या होगा? सो द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मे मेक लॉज ऑन वेरियस इश्यूज लाइक नंबर ऑफ विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स टू बी फॉर्म्ड एंड देयर कंपोजिशन, डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू द विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। ओके, डेलिमिटेशन का मतलब क्या है? परिसीमन। तो जब गवर्नमेंट को लगेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेशन को संसद में बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके वहाँ पे डेलिमिटेशन प्रोसेस की जाएगी। ओके, परिसीमन किया जाएगा, नई बॉर्डर्स, नई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स या नई विलेज बॉर्डर्स बनाई जाएगी। ओके, सेम चीज़ डेलिमिटेशन प्रोसेस आने वाले कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर में होने वाला है। सो डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू द विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा जब विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स बनाई जाएगी, ताकि ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा अच्छा काम हो सके। रूल्स फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। तो गवर्नर मे मेक रूल्स फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। तो आखिरी जो डिसाइड कौन करेगा, आखिरी जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? गवर्नर का होगा। सच रूल्स मे बी फ्रेम्ड इन रिलेशन टू प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि कुछ पावर्स कुछ एजेंसीज के पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तो ये डिसाइड करने का काम, ये सेटअप करने का काम जो वहाँ के गवर्नर्स होंगे रिस्पेक्टिव टाइम में, वो उसको परमिशन देंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो देखिए, क्योंकि ये एरियाज 6th स्केड्यूल में आ रहे थे, तो 6th स्केड्यूल में आने की वजह से देर आर मल्टीपल लॉज जो कि वहाँ पे लागू नहीं होते, या तो एस्टेरिक्स के साथ वो लॉज वहाँ पर लागू किए जाते हैं, कुछ शर्तों के साथ वो लॉज वहाँ पर लागू किए जाते हैं, और उनमें से एक है लैंड रिफॉर्म्स। तो अभी तक वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लागू नहीं हो रहे थे, बट अब गवर्नमेंट वहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहती है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लाना चाहती है, इसीलिए वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे। अर्बन एंड टाउन प्लानिंग। तो हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में देर इज नो सच थिंग लाइक अर्बन और टाउन प्लानिंग, क्योंकि वहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है इट इज़ वेरी लेस। तो अब वहाँ पे प्लांड सिटीज बनाए जाएंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए विलेज काउंसिल्स और म्यूनिसिपल काउंसिल्स का होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज अमोंग अदर फंक्शंस। तो कौन सी ज़मीन को खेती के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, या कमर्शियल यूज़ के लिए दिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ की जो लोकल काउंसिल्स होगी वो अब डिसाइड करेगी। स्टेट फिनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था जब ये जो नए 15th फिनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें? सो द बिल प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फिनेंस कमीशन फॉर दीज स्टेट्स टू रिव्यू द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम पैसा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से कम रेवेन्यू जनरेट होता है, बट ये जो नई गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल डेवलपमेंट हो, एंड दैट्स वाई अलग डिस्ट्रिक्ट विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए अलग फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन दी गई है। द कमीशन विल मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। मान लीजिए किसी स्टेट्स को, अगर आसाम को 1,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो आसाम में सपोज 10 डिस्ट्रिक्ट है, एक कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कहीं पे पॉपुलेशन कम होगी, तो ये 1,000 करोड़ रुपयों को स्टेट्स में, स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में किस तरह से बांटा जाए, उसके लिए ये विलेज जो फिनेंस कमीशन है वो काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ग्रांट इन एड टू डिस्ट्रिक्ट विलेजेस एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट।
तो ये पूरा जो एक जो चेन सेटअप करना है उसके लिए ये रिकमेंडेशन दी गई है. और रिकमेंडेशन क्या है, टू सेटअप अ स्टेट फिनांस कमीशन. ओके. और इस बार का जो 15th फिनेंस कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह. ओके. इलेक्शंस टू काउंसिल्स कैसे होगा, सो ऑल इलेक्शंस टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, रीजियनल काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स विल बी कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर दीज फोर स्टेट्स. विच फोर स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ओके. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स, तो द सिक्स्थ स्केड्यूल प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर मे मेक रूल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल्स एंड ऑल्सो द डिस्क्वालिफिकेशन इन केस अ मेंबर बिहेव्स अनकॉन्स्टिट्यूशनली. Right, so the bill adds that the governor may make rules for the disqualification of such members on the grounds of the defection. तो अगर वो unconstitutionally behave कर रहा है तो उसको council से बेदखल भी किया जा सकेगा. ये नया amendment यहाँ पे जोड़ा गया है. ओके. अब ये जो जनरलाइज सिक्स के स्केड्यूल की बात है वो ऑलरेडी अब अपने पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो. पॉलिटी के जब एम लक्ष्मीकांत आप पढ़े होंगे तो उसमें सिक्स स्केड्यूल के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है कि इसकी क्या ज़रूरत थी. ओके. सो द सिक्स स्केड्यूल वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर दी प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल एरियाज जो कि 90% से ज़्यादा थी उस टाइम पे इन दिस हिली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ अनडिवाइडेड आसाम which was categorized as excluded areas under the Government of India Act 1935 and was under the direct control of the governor. It provides for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to safeguard the rights of the tribal population in these states. Okay, तो जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नियम वहाँ पे लागू नहीं होते, अगर लागू होते भी है तो वो एस्टेरिक्स के साथ कुछ शर्तों के साथ वहाँ पे लागू होंगे. और ये शर्तें कौन सी है, तो ये शर्तें वो है जो प्रोटेक्ट करेगी ट्राइबल ग्रुप्स के राइट्स को, उनकी जो इंडिजीनियस कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको, उनकी लैंग्वेज को, उनके एरियाज को. सो दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोवाइड्स एन ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ओके. जब आसाम में हमने मल्टीपल ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, राइट, तो अभी पिछले 2019 में कोरोना के पहले आसाम के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं ताकि आसाम में जो दंगे फसाद 1980s से जो चले आ रहे हैं इन्हीं वजहों से, एथनिक क्लैशेस की वजह से, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, बंद हो जाए. और ऐसी ही एक ट्राइबल ग्रुप है बोडो प्रजाति. ओके. तो आसाम की जो बोडो प्रजाति है वहाँ पे सालों से अलग बोडोलैंड की मांग उठ रही थी, तो वो अलग बोडोलैंड की मांग को एड्रेस करते हुए हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने आसाम गवर्नमेंट के साथ मिलकर बोडो अकॉर्ड पे साइन किया है, विच इज़ अ पीस अग्रीमेंट इन आसाम, पीस अग्रीमेंट फॉर आसाम. ओके. तो इसके तहत जो चार बोडो मेजॉरिटी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनका एक अलग एटोनोमस काउंसिल्स बनाया जाएगा. ओके. चलिए, ताकि वो लोग अलग बोडोलैंड की मांग ना करें. ADCs are empowered to make laws in respect of areas under their jurisdiction which cover the land, forest, cultivation, inheritance, indigenous customs and traditions of tribals etc. and also to collect land revenues and certain other taxes. तो मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी स्पेसिफिक एरिया में जाना है जो इको सेंसिटिव जोन है या मिलिटराइज्ड जोन है या ट्राइबल एरिया है, तो आपको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी. और ऐसे एरियाज जो है दोज एरियाज फॉल अंडर इनर लाइन परमिट एरियाज. ओके. सो आपको ILP इनर लाइन परमिट लेकर ही उस एरिया में जाना पड़ेगा. आप वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते. और ये जम्मू कश्मीर से टोटल ही अलग सिचुएशन है. ओके. सो जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो सीन है वो वहाँ के ट्राइबल और जो इको सेंसिटिव जोन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है इनर लाइन
permit. So ADCs are like miniature states having specific powers and responsibilities in respect of all the three arms of the governance, that is legislature, executive and judiciary. आप अलग अलग इंडेक्सेस जब देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट या नीति आयोग के या किसी मिनिस्ट्री के, तो आप हमेशा ये पाओगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक अलग कैटेगरी में मेजर किया जाता है. क्यों? क्योंकि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स धीरे धीरे इंडिया के साथ जुड़ते गए, तो कभी भी उनको इतना एक्सपोजर या इतना फोकस नहीं मिल पाया किसी भी गवर्नमेंट से कि वो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके. और इसीलिए अगर आप उस इंडेक्स में, अगर त्रिपुरा को मान लीजिए महाराष्ट्र या गुजरात से जब कंपेयर करने जाओगे, सो दैट इज़ नॉट अ फेयर कंपेरिजन. क्यों? क्योंकि त्रिपुरा का ना तो रेवेन्यू इतना है, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी है, ना उसके पास इतना एक्सपोजर है या इतना नेचुरल एडवांटेज है कि वो अच्छी तरह से आगे डेवलप हो सके. एंड दैट्स वाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक अलग कैटेगरी आपको हमेशा देखने को मिलेगी. कहीं कहीं पे उसको नाम दिया गया होगा हिमालयन स्टेट्स और कहीं पे उसको नाम दिया गया होगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ऑलरेडी हम बता चुके आपको कि जो इट विल एक्ट लाइक अ स्मॉल गवर्नमेंट, स्मॉल स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अपने कुछ राइट्स होंगे और वो अपने हिसाब से अपने लिए लॉज बना सकेंगे. सो द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. Thus, he can increase or decrease their areas or change their names or define their boundaries and so on. और गवर्नर से हमारा मतलब है इनडिरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे डिसीजन ले सकेगी. इन देर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इन टू सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स. अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हो तो उनको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया जा सकेगा एज पर देयर नीड्स. कंपोजिशन क्या होगा? सो ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, ऑफ हुम 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड द रिमेनिंग 26 आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स. ईच ऑटोनॉमस रीजन ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल. द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन. The district and regional council within their territorial jurisdictions can constitute the village councils or courts for trial of suits and cases between the tribes. They hear appeals from them. तो जो ethnic clashes होते रहते हैं आए दिन, उनको सुलझाने के लिए सीधा high court या supreme court जाने की ज़रूरत नहीं है. वो within the village या within the district ऐसा court system setup किया जाएगा ताकि उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रीजनल लेवल पे सॉल्व किया जा सके. द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर. तो हाई कोर्ट कैसे इंटरफेयर करेगी ये डिसीजन भी किसका होगा? वहाँ के गवर्नर का होगा. ओके, तो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी ऑटोनोमस काउंसिल्स वर्क कर रही है? तो मेघालय में देखिए खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जिंशिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपने ये सारे नाम ऑलरेडी सुने हैं. एंड खासी एंड गारो आर दी मोस्ट फेमस ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. मिजोरम चकमा, देन लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आसाम में दीमा कर्बी एंड बोडोलैंड, जिसके बारे में अभी मैंने बताया. तो ये बोडोलैंड का जो बोडो एकॉर्ड साइन हुआ है वो 2019 में साइन हुआ है. ओके, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप ऑलरेडी अपने पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, दिस इज फॉर योर रिविजन. आपको पता होना चाहिए कि इसको पॉलिटी के साथ कैसे जोड़ा जाना चाहिए. तो ये दो सब्जेक्ट में आपको पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है एंड पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So I hope the amendments are now clear. The 125th amendment, it is still a proposed amendment. अभी वो दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है. नेक्स्ट जो हमारा लॉ है दैट इज द जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल. अब देखिए जुवेनाइल से पता क्या चलता है कि बच्चों के लिए ये एक्ट बनाया गया है. सो रिसेंटली द लोकसभा पास्ड द जुवेनाइल जस्टिस. अब देखिए पास्ड का मतलब क्या है कि वो मेजोरिटी से लोकसभा से पास हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो जाएगा राज्यसभा में. ओके, सो रिसेंटली द लोकसभा पास्ड द जुवेनाइल जस्टिस
पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 दैट सीक्स टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो हमारे देश में अडॉप्शन इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ टैबू। ज़्यादा लोग अडॉप्शन के आइडिया को लेकर इतने खुले विचार नहीं रखते हैं, तो क्योंकि अगर कोई अनाथ बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है या किसी हादसे में गुजर चुके हैं, तो उस बच्चे को किसी सही फैमिली तक पहुँचाने के लिए जो प्रोविज़न होने चाहिए, जो प्रोसीजर होनी चाहिए, वो प्रोसीजर को कौन डिफाइन करेगा? द जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल, राइट? कोई मर्डरर को या किसी खूनी को या किसी इकोनॉमिकली वीक आदमी को अडॉप्शन इतना इजीली नहीं मिल सकता है, राइट? तो वो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, वो अच्छे एटमॉस्फेयर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो। सो द बिल अमेंड्स द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसको ये अमेंड करता है। क्या क्या अमेंड करता है और क्या जरूरत थी अमेंडमेंट की, वो हमें देखना है। सो नीड ऑफ द अमेंडमेंट क्या था? सो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज NCPCR, तो ये एक नेशनल एजेंसी है जो कि बच्चों के राइट्स के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, और वो भी जो भी डिस्प्यूट होगे उसको प्रॉपर फॉरम मिले, प्रॉपर जस्टिस मिले, ये देखने का काम किसका है? NCPCR का है। सो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑडिट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। देर आर सेवरल नंबर ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो जब उन्होंने ऑडिट किया चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का 2020 में, 90% ऑफ विच आर रन बाय NGOs फाउंड दैट 39% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स वर नॉट रजिस्टर्ड इवन आफ्टर द 2015 अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन। तो अगर आप कोई ऐसी एजेंसी या ऐसी संस्था चला रहे हो जहां आप छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का जो काम है, डे टू डे उनकी देखभाल अगर कर रहे हो, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इट्स एन इलीगल एक्टिविटी। तो जब ये ऑडिट किया गया 2020 में, तो ये पता चला कि 39% ऑफ द टोटल CCIs वर नॉट रजिस्टर्ड इवन आफ्टर द 2015 अमेंडमेंट, राइट? तो वो 39 बच्चों का अडॉप्शन कैसे हो रहा है, वहाँ पे कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अब देखिए, आपको लगेगा तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जब ये 39% CCIs में, मान लीजिए 1000 बच्चे की अगर टेक केयर की जा रही है, तो देर आर मल्टीपल पास्ट इंसिडेंट्स के देर आर मल्टीपल NGOs जो चाइल्ड ट्राफिकिंग, ह्यूमन ट्राफिकिंग या सेक्स ट्राफिकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है अगर ऐसे NGOs, तो वो बैकग्राउंड में इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े हो। तो इनसे नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान उन छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियों का हो रहा है जिनको पता भी नहीं है कि उनको सेक्स ट्राफिकिंग में या ह्यूमन ट्राफिकिंग में धकेला जा रहा है। अगर वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, एंड दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी के अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सो इट ऑल्सो फाउंड दैट लेस देन 20% ऑफ CCIs स्पेशली फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए, ये नोटेबली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट स्पेशली फॉर गर्ल्स हैज नॉट बीन सेटअप इन सम स्टेट्स। 26% चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स वर नॉट देयर। अब चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही जब नहीं है तो वो NGO के जो लोकल गार्डियन होगा वो किस तरह से डे टू डे एक्टिविटी कर रहा होगा या डे टू डे बिजनेस कंडक्ट करता होगा अपना? वो प्रेशराइज करता है बच्चों को, प्रेशराइज नहीं करता है, अच्छा खाना देता है, अच्छे कपड़े पहनने को देता है, अच्छा अकोमोडेशन दे पाता है? तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट मेजर नहीं कर सकती। जब ऑडिट हुआ तो ये सारी चीज़ें पता चली। मोर ओवर 3/5 हैव नो टॉयलेट्स, 1/10 हैव नो ड्रिंकिंग वाटर, एंड 15% होम्स डोंट हैव प्रोविजंस ऑफ सेपरेट बेड्स और नो डाइट प्लान, जो चीज़ ऑलरेडी मैं अभी आपको बता चुका।
Rehabilitation of children is not a priority for child care homes, and children are reportedly kept in such institutions to get funds. तो देखिए, अब जो अनाथ बच्चा होगा या जिसको रेस्क्यू करके चाइल्ड केयर में रखा जाएगा, चाइल्ड केयर यूनिट में, तो उसका जो मेंटल स्टेटस होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल चाइल्ड जिसको अच्छा स्कूलिंग मिला है या अच्छे फैमिली से जो आ रहा है. सो इन दोनों के मेंटल स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस होगा, और इसीलिए उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, अगर पास्ट में उसके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, किसी ट्रॉमा से गुजर कर वो अगर आया है, तो उसको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी. और वैसे भी इंडिया में इन नॉर्मल सिचुएशन ऑल्सो जो मेंटल हेल्थ है उसको इतना ज़्यादा, तो काउंसलर कहाँ से होगा. तो ये भी एक चीज़ पाई गई कि वहाँ पे जब मेंटल हेल्थ है ऐसे बच्चों की, उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता. इसी को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी. तो इस बिल में क्या क्या अमेंड किया गया है? सो सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं ऐसे बच्चों के खिलाफ, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि जब आप चाइल्ड केयर यूनिट में होंगे तो हो सकता है कि वो एनजीओ ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स ट्रैफिकिंग में जुड़ा हुआ हो, राइट? सो सीरियस ऑफेंसेस विल ऑल्सो इंक्लूड ऑफेंसेस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years एंड मिनिमम पनिशमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और इज ऑफ लेस देन 7 years. तो इसको डिफाइन किया गया कि सीरियस ऑफेंसेस क्या क्या होंगे जुवेनाइल के मामले में, और उसकी जो विंडो होगी वो क्या होगी फॉर द पनिशमेंट. सीरियस ऑफेंसेस आर दोज फॉर विच द पनिशमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इज इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 and 7 years. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंक्वायर्स अबाउट अ चाइल्ड हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस ऑफेंस. तो देखिए, मैंने कहा कि आपको अगर कोई बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो सकता है कि वो सीरियस क्राइम करके आया हो, या उसके मेंटल स्टेट ऐसा हो कि वो आने वाले टाइम में सोसाइटी के लिए थ्रेट बन सके, राइट? तो अगर वो करके आया है, तो क्योंकि वो जुवेनाइल था, क्योंकि वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरा था, तो इन दिस केस क्या जेल की सज़ा होनी चाहिए, उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा. सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या क्या होंगे? सो द प्रेजेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट दैट ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 years टू बी कॉग्निजेबल. तो कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि विदाउट कोर्ट वारंट आप किसी को भी जो अक्यूज्ड है उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, एंड नॉन वेलेबल. तो वो नॉन वेलेबल भी होगा, जैसे मर्डर हो गया या रेप हो गया. सो दीज आर दी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंसेस. द बिल अमेंड्स दीज टू प्रोवाइड दैट सच ऑफेंसेस विल बी नॉन कॉग्निजेबल, राइट? तो अब अगर जो 3 to 7 years के बीच में होगा उसको अब क्या कर दिया गया है? नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया. जब तक कोर्ट का वारंट नहीं होगा तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. Adoption. So presently the adoption order issued by court establishes that the child belongs to the adoptive parents. The bill provides that instead of the court, the district magistrate, including additional district magistrate, will issue such adoption orders. तो अब जो local court या family court होगा वो order नहीं करेगा, district magistrate जो कि एक IAS officer हो सकता है वही ऐसे order issue करेगा. अपील क्या होगी? सो द बिल प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फाइल एन अपील बिफोर द डिविजनल कमिश्नर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अ पैसेज ऑफ सच ऑर्डर. ओके, चलिए. सच अपील्स शुड बी डिस्पोज्ड विद इन 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द अपील. तो उसका जो वो अपील को कब प्रोसेस किया जाना चाहिए, उस पर कब तक डिसीजन दे देना चाहिए, ये भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है अंडर द अमेंडमेंट. एडिशनल फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होंगे? सो दीज इंक्लूड सुपरवाइजिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट. जो लोकल चाइल्ड केयर यूनिट होगा उसको सुपरवाइज करने का काम भी किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, ताकि रेंडम ऑडिट में अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उसको सुधारा जा सके, और जो चाइल्ड केयर यूनिट है वो इलीगल एक्टिविटीज ना कर सके. कंडक्टिंग अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. Designated code. So the bill proposes that all offences under the earlier act can be tried in the children's court. तो अगर वो juvenile है तो उसको children court में चलाया जा सकेगा. ऐसा amendment, एक designated court setup की जाएगी, ऐसा यहाँ पे amendment में बोला गया है. Child welfare committees क्या है? So it provides that a person will not eligible to a member of the CWC
इफ और शी, अगर इन फॉलोइंग में से अगर वो कुछ है तो वो इट ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ सीडब्ल्यूसी, हैज एनी रिकॉर्ड ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स इवन इफ हिज और हर पर्सनल लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ में भी उसके ऊपर वायोलेशन का हिस्ट्री है या ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन का हिस्ट्री है या चाइल्ड राइट्स के वायोलेशन का हिस्ट्री है तो उसको सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, राइट? अगर मैं खुद ही अपने घर में मेरे बच्चे को मारपीट कर रहा हूँ तो मैं लायक ही नहीं हूँ कि मैं सीडब्ल्यूसी में बैठ सकूँ। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, अब इस प्रोविजन को इसमें अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। इफ ही और शी हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ओके, इट has been removed or dismissed from a service of the central government or any state government or a government in undertaking is a part of a management of the child care institution in a district, right? तो ये अगर criterias होंगे तो आपको CWC में आप you cannot become a member. Members का removal कैसे होगा? तो वो भी behavioral ground पे उसका removal हो सकता है. The appointment of any member of the committee shall be terminated by the state government after an inquiry if they fail to attend the proceedings of the CWC consecutively for 3 months without any valid reason or if they fail to attend less than 3/4 of the sitting in a year. तो आप अगर CWC की meetings attend नहीं करते हो तो आपका जो membership है CWC का उसको क्या कर दिया जाएगा? Terminate कर दिया जाएगा by the state government, okay, not the governor, by the state government. और वो क्या criteria है? आप 3 months में जो CWC की जो meetings हो रही है उसमें आप अगर absent रहे तो state government आपका जो membership है उसको terminate कर देगी, या तो 3/4 sittings अगर year की आप miss करते हो then also your membership will be terminated by the state government. State government is an underlined word here. Juvenile Justice Act 2015 क्या था? तो the Juvenile Justice replaced the Juvenile Justice Act 2000. तो देखिए 2000 से 2015 तक कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया था. 15 साल बाद हमें याद आया कि हमें बच्चों को भी, बच्चों के जो इश्यूज है उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए. Change in nomenclature. So the act changes the nomenclature from juvenile to child or child in conflict with law. Also, it removes the negative connotation associated with the word juvenile. It also includes several new and clear definitions such as orphaned, abandoned and surrendered children and petty, serious and heinous offenses committed by children. तो हम imagine भी नहीं कर सकते ऐसे heinous crime बच्चे करते हैं और बच्चों के खिलाफ होते हैं, तो दोनों को ही इस एक्ट में एड्रेस किया गया है. स्पेशल प्रोविजंस फॉर एज 16 टू 18 इयर्स, सो इंक्लूडेड स्पेशल प्रोविजंस टू टैकल चाइल्ड ऑफेंडर्स कमिटी कमिटिंग हीनियस ऑफेंसेस इन द एज ऑफ ग्रुप 16 टू 18 इयर्स. मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जेजे बोर्ड, इट मैंडेट्स सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बोथ मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमन मेंबर ईच, ओके. तो ये अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए हैं. नेशनल जो हमारा बिल है दैट इज रिलेटेड टू मेडिसिन, सो द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020. सो रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020 वॉज पास्ड यूनैनिमसली बाय द लोकसभा. द बिल सीक्स टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द education and practice of allied and healthcare professionals. The group of allied professionals is large and the bill is trying to regulate this field by providing dignity to their roles. So, dekhiye allied professionals kya hai, hum aage dekhenge. Allied health professional kya hai? So the bill defines an allied health professional as an associate technician or technologist trained to support the diagnosis and treatment of any illness, disease, injury and impairment. Such a professional should have obtained a diploma or a degree. The duration of a degree diploma should be at least 2000 hours over a period of 2 to 4 years. तो देखिए छोटे छोटे गांवों में क्या होता है कि तो नर्सेस जो होती है या इंटर्नशिप कर रहे जो लोग हैं वो ऑलरेडी सुपर डॉक्टर की जो प्लेस है उसको फुलफिल करते हैं. वहां पे एक्चुअल डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नर्स ही चेक करके बता सकती है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट. तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल.
हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या है? तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूड्स अ साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट और एनी अदर प्रोफेशनल हु स्टडीज, एडवाइजेज, रिसर्चेज और सुपरवाइजेज और प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, थेरापूटिक और प्रमोशनल हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने अगले पिछले जो टॉपिक में बात की कि मान लीजिए अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो ऐसे तो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ साइकियाट्रिस्ट, है ना। अगर आप अपना प्रॉब्लम लेकर अपने बाजू वाले के पास जाओ या अपने किसी दोस्त के पास जाओ तो वो आपको सलाह दे देगा, बट ही और शी इज़ नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे जिसके पास डिग्री है, हु आर ऑथोराइज्ड लीगली, हु आर लीगली ऑथोराइज्ड टू गिव और प्रिस्क्राइब मेडिकल एडवाइस, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहेंगे। सच अ प्रोफेशनल शुड हैव ऑब्टेंड अ डिग्री। ठीक है, मैं ऐसे ही बोर्ड लगा के साइकेट्री का जो क्लिनिक है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री शुड बी एटलीस्ट 3600 आवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 ईयर्स। अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस क्या है? सो द बिल स्पेसिफाइज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एज रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज। दीज आर मेंशनड इन स्केड्यूल टू बिल एंड इंक्लूड लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल्स, सर्जिकल एंड एनेस्थेशिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरापिस्ट एंड न्यूट्रिशियन साइंस प्रोफेशनल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अमेंड दिस स्केड्यूल आफ्टर कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन लाया जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट कहता है। द बिल सेट्स अप द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। स्ट्रक्चर क्या होगा? सो इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 members representing various department, ministries of the central government. One, तो ये हो गए टोटल 7। एक होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, 3 deputy directors और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स अपॉइंटेड ऑन अ रेगुलर रोटेशनल बेसिस फ्रॉम अमंग्स द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड 12 part-time members representing state councils among the others. तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फंक्शंस क्या होगा? सो द फंक्शनल्स विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिगार्ड्स टू द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। वो जो होंगे क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, कोर्सेज, करिकुलम, स्टाफ क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग एंड मैक्सिमम फी पेएबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। तो ये सारा डिसाइड करेंगे और मैनेज करेंगे ये जो कमीशन होगा वो। प्रोफेशनल काउंसिल्स क्या होंगी? सो द कमीशन विल कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोफेशनल काउंसिल फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। द प्रोफेशनल काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 to 24 members representing each professions in the recognized category. The commission may delegate any of its function to the councils. और ऐसे ही सेम स्टेट काउंसिल्स बनाई जाएगी। सो विद इन 6 months फ्रॉम द पैसेज ऑफ द बिल स्टेट गवर्नमेंट्स विल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स। इट विल कॉम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल कमीशन एंड मेंटेन अ स्टेट रजिस्टर। ओके, कमीशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन किसके पास होगी? तो वो भी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या होंगे? सो नो पर्सन इज अलाउड टू प्रैक्टिस एज अ क्वालिफाइड अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अदर देन दोज एनरोल्ड इन अ स्टेट रजिस्टर और अ नेशनल रजिस्टर। तो आप इलीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आप मेडिकल एडवाइस किसी को दे रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जो आगे हमने बात की फिजियोथेरापी या न्यूट्रिशन के फील्ड में या एक्स वाई जेड फील्ड में। आपका नेशनल रजिस्टर में या स्टेट रजिस्टर में होना इज कंपलसरी। इफ यू आर नॉट इन स्टेट और नेशनल रजिस्टर, आप वो इट विल बी काउंटेड एज ऑफेंस एंड इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टीज। सो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स दिस प्रोविजंस विल बी पनिश्ड विद अ फाइन ऑफ 50,000 रुपीज। नेक्स्ट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट बिल है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। और इसने काफ़ी नेशनल न्यूज़ को कवर किया है पिछले कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल्ली की सेंट्रल दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है पूरे कंट्री का, वो इस बिल को हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक के तौर पर कंसीडर करता है। तो इसके जो मिनिस्ट्री है, दैट इज़ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री,
ये बिल पहले इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन 15th of March 2021। लोकसभा में पास कब हुआ? ये पास हुआ 2022 मार्च को, ये लोकसभा से पास हुआ, और राज्यसभा में ये दो दिन बाद 24th of March ये राज्यसभा से पास हुआ, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दी है एंड इट इज़ नाउ एन एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन March 15th, 2021। The bill amends the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991. The act provides a framework for the functioning of the Legislative Assembly and the Government of the National Capital Territory of Delhi. The bill amends certain powers and responsibilities of the Legislative Assembly and the Lieutenant Governor. तो देखिए basically क्या किया गया है कि जो चुनी हुई government थी दिल्ली की, उसके पास कुछ जो एक्स्ट्रा राइट्स थे या एक्स्ट्रा पावर्स थी, उन सर्टेन पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया है, उनके ऊपर यू कैन से बेड़िया लगा दी गई है, और उन पावर्स को वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में दे दिया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका आदमी होगा? ही और शी इज़ द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस बिल ने ये विवाद छेड़ा है, ये डिस्प्यूट खड़ा किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब दिल्ली को भी कंट्रोल करना चाहती है, जबकि वहाँ पे हमारे पास चुनी हुई गवर्नमेंट है। ओके, सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास बाय द असेंबली। तो ये बिल क्या अमेंड करता है? सो द बिल प्रोवाइड्स दैट द टर्म गवर्नमेंट रिफर्ड टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। मान लीजिए अब अगर दिल्ली की जो स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे जब कोई बिल लाया जाएगा, ओके, तो वहाँ पे गवर्नर, गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट? रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। सो द एक्ट अलाउज द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द असेंबली। द बिल प्रोवाइड्स दैट सच रूल्स must be consistent with the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. तो जिस तरह से Lok Sabha चलती है, जिस rules of procedures and conduct के हिसाब से, उस तरह से अब दिल्ली की विधानसभा या legislative assembly of Delhi भी चलनी चाहिए। Assent to bills क्या क्या है? But the act requires the lieutenant governor to reserve certain bills पास बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब जब गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगेगा कि इस बिल के लिए प्रेसिडेंट का असिस्टेंस या प्रेसिडेंट का एडवाइस जरूरी है, वो उसको क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे अपने पास। दिस बिल्स आर दोस, कौन से ऐसे बिल्स है विच मे डिमिनिश द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो अगर दिल्ली के हाई कोर्ट के पावर को बदलने का या अमेंड करने की अगर कोशिश की गई हो किसी बिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा अगर कोई बिल आता है, तो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड कर सकेंगे, विच द प्रेसिडेंट मेड डायरेक्ट टू बी रिजर्व। अगर प्रेसिडेंट सीधे सीधा उसको रिजर्व करने के लिए बोल दे, तो डीलिंग विद द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड द मिनिस्टर्स। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग अपने हिसाब से अपना जो रेम्यूनरेशन है, अपना जो सैलरी है, उसको उसमें बदलाव नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर होल्ड लगा सकते हैं। रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द असेंबली और एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए उसमें भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बदलाव नहीं कर सकती। द बिल रिक्वायर्स द LG to also reserve those bills to the president which incidentally cover any of the matters outside the purview of the power of the legislative assembly. तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, पौंडीचेरी, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये हर जगह जहाँ पे जिस यूनियन टेरिटरी में चुनी हुई गवर्नमेंट है और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, वहाँ पे कौन सा पावर किसके पास है, इसके ऊपर डिस्प्यूट होते रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमने किरण बेदी और पौंडीचेरी के जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर थे, उनके बारे में पढ़ा था, उनके सीएम को इस्तीफा देना पड़ा था, राइट? तो ये डिस्प्यूट्स ऑलरेडी वहाँ पे चलते
रहते हैं। एलजीज ओपिनियन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस क्या है? सो द एक्ट स्पेसिफाइज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स और अदरवाइज मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। द बिल एड्स दैट ऑन सर्टेन मैटर्स एज स्पेसिफाइड बाय द एलजी हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेंड बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसको अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। तो वहाँ की जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो कोई डिसीजन विदाउट एलजी के एडवाइस के या एलजी के अप्रूवल के बगैर नहीं ले सकती। नेक्स्ट जो हमारा बिल है दैट इज द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। इसको देखिए, पहले मिनिस्ट्री है कॉरपोरेट अफेयर्स, इसको पहले राज्यसभा में पेश किया गया। सो अगर कोई बिल मनी बिल नहीं है, ओके, सो उसको ईदर ऑफ द हाउस में आप प्रेजेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ओके, अगर वो मनी बिल है तो ही वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी बिल आपका किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो। दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर पॉलिटी प्रोसीजर्स। सो इसको पहले 15 मार्च को राज्यसभा में पास इंट्रोड्यूस किया गया, 18th ऑफ मार्च को आफ्टर डिस्कशन उसको राज्यसभा से पास किया गया और 22 मार्च को इसको लोकसभा से भी पास कर दिया गया है। नाउ इट विल गो फॉर दी प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर। क्या है ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल? तो ये सेम चीज़ हम बजट में देख चुके थे कि इंश्योरेंस में जो अपर लिमिट थी उसको अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ओके, सो दी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाई द मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिस निर्मला सीतारमन ऑन March 15, 2021। द बिल अमेंड्स द इंश्योरेंस एक्ट 1938। द एक्ट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस and regulates the relationship between an insurer, its policy holders, its shareholders and the regulator which is insurance regulator in development authority of india, jisko hum IRDA ke naam se jante hain, okay, aur IRDAI ke naam se jante hain. The bill seeks to increase the maximum foreign investment allowed in an indian insurance company. Again you have to recall the budget 2021. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना था और कितना किया गया है। सो द एक्ट अलाउज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू होल्ड अप टू 49% ऑफ द कैपिटल इन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडियन एंटिटी। ओके, तो अगर कोई इंडियन एंटिटी कोई इंश्योरेंस बिजनेस में है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस पे उसके ऊपर 49% तक अलाउ हो सकता था। द बिल इंक्रीजेज दिस लिमिट। ओके, तो अब तक क्या था 49%, नाउ द बिल इंक्रीजेस द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49% टू 74% एंड रिमूव्स द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। पहले क्या था कि ओनरशिप और कंट्रोल इंडियन एंटिटी का होना चाहिए तब जाके कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49% का हिस्सा उसमें ले सकता था, इन्वेस्टमेंट ले सकता था। अब ओनरशिप का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है और जो लिमिट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। हाउएवर सच फॉरेन इन्वेस्टमेंट मे बी सब्जेक्ट टू एडिशनल कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी एक छोटा सा बिल था जो हमें पढ़ना था। आई होप एवरी प्रोविजंस ऑफ एवरी बिल इज नाउ क्लियर्ड। अगर कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।